मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शालिनी आपका अपने यूट्यूब चैनल के आइडियल इंस्टीट्यूट पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, अब तक हमने संज्ञा पढ़ा। पिछले कई वीडियो में हमने आपको संज्ञा और संज्ञा के प्रकार के बारे में बताया हुआ है। अब आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम पे बात करते हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो कोई भी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, हम सब, जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार हम जानेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इसकी डिफिनेशन मैं एक बार और बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, ट्रिक ही मैं आपको बताऊंगी ताकि ट्रिक से जल्दी से आपको कन्फर्म हो जाए कौन सा सर्वनाम है। तो इसके डिफिनेशन में है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, मैं, हम, तुम आदि। आगे हम सर्वनाम के 6 प्रकार पे बात करते हैं। 6 प्रकार याद करने के लिए बच्चों हम एक ट्रिक का ध्यान रखेंगे। एक छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक को अगर हम याद रखेंगे तो हमें सर्वनाम के 6 प्रकारों के बारे में ज्ञान हो जाएगा। तो हमारी छोटी सी ट्रिक है अनाप शनाप। इसको क्या बोलते हैं? अनाप शनाप। इससे हम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम के 6 प्रकार याद करने में हमें आसानी होगी। नंबर 1 लिखते हैं, अनाप से क्या होगा? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। आसे क्या होगा बच्चों? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। हमें आपको 6 क्लियर कर रहे हैं, इसमें अनाप शनाप का पूरा क्या होगा? अनाप से हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, न से हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, प से हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, स से हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, न से हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम और प से हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार अनाप शनाप से हम 6 के 6 प्रकार सर्वनाम का याद रख सकते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि इसके नाम से बच्चों स्पष्ट होता है, अनिश्चय, जो भी निश्चय ना हो, जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध नहीं प्रकट होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहां अनिश्चितता का बोध हो, निश्चितता ना प्रकट किया जाए, वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें इसको याद रखने के लिए इसमें याद रखिएगा कि इसके लिए कुछ, ये समझ लीजिए ट्रिक है, कुछ और कोई शब्द आता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान के लिए कुछ और कोई शब्द आता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बाहर कोई खड़ा है। क्या है? बाहर कौन खड़ा है ये निश्चित नहीं हो पा रहा, लेकिन कोई खड़ा है। मान लीजिए किसी वाक्य में लिखा है, बाहर कोई खड़ा है जो आपसे मिलना चाह रहा है। ये वाक्य आपको दे दिया गया और पूछा गया इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे कोई और कुछ जब आ जाए तो ये समझ लेना अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक। नंबर 2 हमारा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कह सकते हैं कि जिन सर्वनामों से निश्चितता का बोध होता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? यह और वह। यह, वह, ये शब्द आप निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। मान लीजिए कहा गया, यह डॉल मेरी है, यह गुड़िया मेरी है, यह गुड़िया मेरी है। एक एग्जांपल लेते हैं इससे हम समझते हैं, यह गुड़िया मेरी है, वह भूत है। तो ये श्योर कह दिया जा रहा है ना कि यह गुड़िया मेरी है, मतलब निश्चितता का इंडिकेट किया जा रहा है कि यह श्योर की ये गुड़िया मेरी ही है, वह भूत ही है। ये कह दिया जाए, यह भूत ही है, वह भूत है या यह वह भूत ही है। ये शब्द आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कहने का मतलब यह है, जिस सर्वनाम में निश्चितता का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 3 पे हम आते हैं बच्चों। नंबर 3 हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 3 हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। हम 10 मिनट में बहुत जल्दी जल्दी 6 सर्वनाम के बाद करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम,
जहाँ पे हम अपने दोस्तों से किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं वहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। एक छोटी सी ट्रिक लिखते हैं बच्चों इसको पहचान करने के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम की। मैं उत्तम, तुम मध्यम। मैं उत्तम और तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। ये आपकी छोटी सी ट्रिक है, बाकी सब अन्य। कहने का मतलब ये है बच्चों, मैं उत्तम मतलब उत्तम पुरुष किस में आएगा, मैं में। मैं और हम जहां आ जाए वहां पे आपका क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। तुम, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। तुम आ गया और मध्यम में क्या आ जाएगा, तुम तुम्हारा, तेरा, तू, ये आ जाए। बाकी सब अन्य में बच्चों, अन्य में क्या आ जाएगा, ये, वे, वह या किसी का नाम। मान लीजिए किसी सर्वनाम में कहा गया है कि मैं उत्तम, मैं एक बहुत अच्छी लड़की हूँ, या कह दिया जाए तुम अपना काम स्वयं करते हो, या तुम कब से यहाँ पे आए हो, या वह पीता है जो कि स्कूल में पढ़ती है। जब इन शब्दों का प्रयोग सर्वनाम में रहेगा, पुरुष की पहचान जब हम कर लेंगे तो वहां पे हमको लगेगा कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। जहाँ पे यह वह या किसी अन्य, किसी लड़की लड़के का नाम आ जाए, मैं हम का प्रयोग हो, तुम और तू का प्रयोग हो, वहां पे आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस ट्रिक को याद रखेंगे तो ये सर्वनाम पहचानने में आपको बहुत आसानी होगी बच्चों। नंबर चौथा हमारा आ जाता है शनाप। शनाप से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में इसमें जो होते हैं, एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध को स्थापित करते हैं। जहां पे एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसमें एक ट्रिक है, इसमें क्या, ज्यों जैसे, जैसे तैसे, जैसे तैसे शब्द का प्रयोग होता है। जैसा कि हमका जैसा करोगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मान लीजिए जिसमें जैसा तैसा तब भरोगे आ जाए, या जो कहोगे जो लड़का कल आया था वही मेरा फ्रेंड था। मतलब एक शब्द को दूसरे शब्द से मिला के जितने वाक्य को बनाया जाए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी कह सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी हमारा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये हम ध्यान रखेंगे, जैसे जो शब्द आएंगे वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। आगे हम नंबर पांच पढ़ते हैं बच्चों। नंबर पांच हमारा है निजीवाचक सर्वनाम। नंबर पांच कौन सा है हमारा, निजीवाचक सर्वनाम। निजीवाचक सर्वनाम में इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है बच्चों, जहां पे स्वयं निजता, जो सर्वनाम निजता का प्रकट करता है, जो सर्वनाम निजता स्वयं का प्रदर्शन करता है, वहां पे निजीवाचक सर्वनाम होता है। इसकी एक ट्रिक है, जहां पे स्वयं जैसे, एक ट्रिक याद करते हैं, इसमें लिखते हैं इसको पहचान करने के लिए, जैसे स्वयं या खुद या अपने आप, ये सारे शब्द अगर आ जाएं तो ये आपका निजीवाचक सर्वनाम होता है। जिसमें निजता का बोध हो, जिस सर्वनाम के द्वारा निजता का बोध होता है उसे हम निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से स्पष्ट करते हैं हम।
हम अपना काम स्वयं करते हैं, हम अपना काम स्वयं करते हैं। यहाँ स्वयं शब्द आ गया है ना बच्चों, तो यह ए हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, स्वयं करते हैं, हम अपना काम स्वयं करते हैं, या हम अपने आप ही सब कुछ कर सकते हैं, या हम मैं अपना काम खुद करता हूँ, ये सारे आपके निजवाचक सर्वनाम आ होंगे। नंबर सिक्स पे हम बात करते हैं, नंबर टिक्त और आखिरी हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों प्रश्नवाचक में सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होंगे और इसमें प्रश्नवाचक सूचक शब्द भी होते हैं। जिन सर्वनाम के द्वारा प्रश्नवाचक शब्दों की अभिभूत हो वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द में जैसे आएंगे बच्चों, ये ट्रिक के रूप में इसको याद रखिएगा आप, कि कौन कहां, कौन कहां कैसे, कौन कहां कैसे कब आदि शब्द वाक्य के अंत में या वाक्य के बीच में आ जाए तो वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बाहर कोई खड़ा है, या बाहर बाहर कौन खड़ा है,